अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टिकू बाबा यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना जेस वैलेट अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। सो जेस वैलेट अकाउंट बिल्कुल ईजी पैसा, जेस कैश, यू पैसा या ईजी पैसा की तरह होता है, जिससे आप लोग ऑनलाइन बिल पेमेंट्स, मोबाइल ईजी लोड, दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना, QR पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। सो जेस वैलेट ऐप आप लोगों ने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और मैंने यहाँ पर ओपन किया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मिल जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन है ओपन अकाउंट का। सो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिसके ऊपर आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद है CNIC। सो आप लोगों ने यहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद है CNIC इशू डेट। सो आप लोगों का शनाख्ती कार्ड कब बना था वो डेट आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। ओके, उसके बाद है ईमेल। सो आप लोगों ने ईमेल एंटर करना है और नीचे आप लोगों का मोबाइल नेटवर्क क्या है। अगर आप लोगों का सिम टेलीनार है तो आप लोगों ने टेलीनार सेलेक्ट करना है, जेस है तो आप लोगों ने जेस सेलेक्ट करना है। सो जल्दी से मैं ये इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने इंफॉर्मेशन फिल किए हैं। उसके बाद आप लोगों ने नीचे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो अभी आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आ जाएगा और वो कोड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। सो मैं वेट करता हूँ OTP कोड का। सो हमारा OTP कोड आ चुका है और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। OTP कोड एंटर करने के बाद आप लोगों ने नीचे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे नीचे है अकाउंट हैज़ बीन ओपन सक्सेसफुली, यू विल रिसीव योर लॉगिन पिन। सो अभी आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक लॉगिन पिन आ जाएगा। ओके, यानी एक पिन कोड आ जाएगा, वो पिन कोड आप लोगों ने यहाँ पे अभी एंटर करना होगा। सो यहाँ से मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो अभी आप लोगों ने एंटर किया था। ओके, सो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और पिन कोड आप लोगों को SMS के ज़रिए मौसूल हो जाएगा, तो वो पिन कोड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। ओके, और यहाँ पे हमारा पिन कोड जो है वो आ चुका है, तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड एंटर करता हूँ। उसके बाद नीचे आप लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर चेक मार्क लगाना है और नीचे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो अभी आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक पिन कोड आ जाएगा और वो पिन कोड आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना होगा। सो मैं वेट करता हूँ पिन कोड का। सो हमारा पिन कोड आ चुका है और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं डिवाइस अपडेटेड सक्सेसफुली। सो आप लोगों ने यहाँ से ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो अभी आप लोगों ने अपने जेस वैलेट अकाउंट के लिए पिन कोड क्रिएट करना है। यहाँ पे आप लोगों ने पुराना वाला, यानी अभी जो आप लोगों को SMS के ज़रिए पिन कोड आ चुका है, वो पिन कोड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने न्यू पिन कोड क्रिएट करना है अपने अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना पुराना वाला पिन कोड एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं न्यू पिन कोड क्रिएट करता हूँ और नीचे दोबारा आप लोगों ने न्यू पिन कोड कन्फर्म करना है। न्यू पिन कोड एंटर करने के बाद नीचे चेंज पिन का ऑप्शन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं लॉगिन पिन चेंज सक्सेसफुली। ओके, सो आप लोगों ने नीचे ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आप लोगों ने लॉगिन करना है। सो अभी जो हमने न्यू पिन कोड क्रिएट किया है वो पिन कोड आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। सो मैं आप लोग के सामने एंटर करता हूँ। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप लोगों ने चेक मार्क लगाना है और नीचे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो अभी आप लोगों ने दोबारा अपने अकाउंट के लिए पिन कोड क्रिएट करना है। परेशान मत हो, अगर आप लोगों ने जेस वैलेट अकाउंट क्रिएट करना है तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। जेस वैलेट का जो सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है। सो आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे न्यू पिन कोड क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं न्यू पिन कोड क्रिएट करता हूँ। दोबारा आप लोगों ने कन्फर्म करना है। सो यहाँ पर मैं दोबारा कन्फर्म करता हूँ और नीचे सेट MPIN का ऑप्शन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं MPIN सेट सक्सेसफुली। सो आप लोगों ने ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है
और मुबारक हो आप लोगों का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। सो हाँ, जीएस वैलिडिटी अकाउंट में ये मसले है, 2-3 बार आप लोगों ने अपने पिन कोड को क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने जीएस वैलिडिटी अकाउंट बनाना है। लेकिन खैर, ये आपको करना पड़ेगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जीएस वैलिडिटी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सो अभी से हम पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे या मोबाइल एजिलोट से किस तरह हम कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ें हम आइंदा वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।